स्थानम के चौथे स्थान में कहा गया है, रुद्दे झाणे चौबिहे पन्नत्ते तंजहा हिंसानुबंधि मोसानुबंधि तेणानुबंधि सारक्षणानुबंधि। चार प्रकार के ध्यान प्रज्ञप्त हैं, 25 बोल जिनको याद हो, 19वां बोल ध्यान चार, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान पर मैंने अनेक दिनों तक विवेचन किया। रौद्र ध्यान के बारे में संक्षेप में यह जानकारी दातव्य है और ग्राह्य भी है। रौद्र का मतलब क्या? रुद्र से बना है रौद्र। रुद्र क्या होता है? जिसका चित्त निष्ठुर होता है, कठोर होता है, वह आदमी रुद्र होता है। और रुद्र व्यक्ति का जो ध्यान है, एकाग्रता है, रौद्रता के संदर्भ में, वह होता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान के चार प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है हिंसानुबंधी, जिसमें हिंसा का अनुबंध, आगे से आगे हिंसा की बात, जिस आदमी का दिमाग हिंसा में लगा रहता है, लगता है, हिंसा के विचार में जो एकाग्रता होती है, वह हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। एक आदमी के मन में बस उसका अनिष्ट करना, उसको मारना, यह आतंकवाद जो है, आतंकवाद संभवतः रौद्र ध्यान का पहला प्रकार है। आतंकवादी लोग या उनके जो रणनीतिकार या योजनाकार लोग हैं, वो कैसे अपना नया नया शोध करते होंगे, कैसे आतंक फैलाना, किस तरह फैलाना। लगता है उनका दिमाग हिंसा में लगा रहता है कि आतंक कैसे फैलाना। तो उनके जो उस आतंक के संदर्भ में एकाग्रता होती है, वह रौद्र ध्यान का पहला प्रकार हो सकता है, हिंसानुबंधी है वह। एक छिपकली कई बार दीवार पर आपने देखी होगी, वो लाइट जलती है और छोटे छोटे जीव जंतु मच्छर जैसे होते हैं, तो छिपकली एकदम स्थिर होकर के उन छोटे जंतुओं में एकाग्र हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। वो फट मुंह में ले लेती है जंतु को, वह हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान प्रतीत हो रहा है। लाइटें तो अनावश्यक रात में न जलें तो बढ़िया रहे, आवश्यक तो मान लें ठीक है, अपेक्षा होती, बाकी अनावश्यक लाइटें जलती रहे। और तेज लाइटें, इतना तेज प्रकाश आता है, कई बार तो छोटे छोटे जीव आने लग जाते हैं। तो लाइटें तो आवश्यक हो उसको छोड़ के बाकी जितनी रात में लाइटें कम जले तो अच्छी बात लगती है। लाइटों का प्रकाश अनावश्यक रात में नहीं होना चाहिए, थोड़ी लाइटों से काम हो सकता है, ज्यादा लाइटें क्यों जले। दिन में प्रकाश है तो लाइटें जलती क्यों रहे, वो रात की लाइटें दिन में भी जलती रहे, कोई संभाल न करे तो रात को तीव्र दिन में भी पड़ी रहती है। दिन में प्रकाश है, अब अपेक्षा नहीं लाइट के प्रकाश की, तो दिन में अनावश्यक लाइटें क्यों जले, रात में भी जरूरी है वो तो मान ले, बाकी बहुत ज्यादा लाइटें क्यों जले, नहीं जलनी चाहिए। ऐसा यह गृहस्थों के वैसे ध्यान देने की बात है, हम भी प्रेरणा उपदेश दे सकते हैं कि जितना संयम हो।
पंडाल है तो कितनी लाइटें जरूरी हैं, कितनी लाइटों के बिना भी काम चल सकता है। यूं अगर लाइटों का भी संयम किया जाए तो वह भी एक अच्छा है, क्योंकि लाइटों में हिंसा भी हो सकती है, व्यय भी होता है, विद्युत का भी व्यय होता है, छोटे त्रस्त जीवों की हिंसा भी कहीं हो सकती है। हाँ, कुछ प्रकाश तो मान ले आने जाने वालों को तकलीफ न पड़े, वो कुछ प्रकाश तो आवश्यक मान ले, उसकी कोई मनाई की बात नहीं। अनावश्यक प्रकाश हो, जिसके बिना आराम से काम चलता है, वैसा प्रकाश लाइटों का न हो तो अहिंसा के संदर्भ में भी अच्छी बात है। हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान होता है, बगुला होता है वो किस प्रकार मछली पर एकाग्र हो जाता है, तो वह उसका ध्यान रौद्र ध्यान, हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। हमारी दुनिया में हिंसा चल रही है, एक तो आवश्यकता बस वो आरंभ जा आदि हिंसा होती है, जानबूझ संकल्प जा हिंसा, मारने की भावना से हिंसा होती है। तो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, दूसरा है मृषानुबंधी रौद्र ध्यान। इसमें झूठ बोलने के संदर्भ में एकाग्रता कि यह बात कहूंगा, बाद में पूछेंगे तो यह ऐसा जवाब दूंगा, फिर ऐसा जवाब दूंगा, यह मृषा की योजना बनाना, कैसे कैसे झूठ बोलना है मुझे, एक झूठ को ढकने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ का रास्ता विकट है, झूठ का रास्ता संकट है, और अमृषा का रास्ता बहुत सपाट सीधा होता है। मृषावादी के दिमाग में ज्यादा तनाव होता होगा, अमृषावादी का दिमाग इस संदर्भ में तनाव मुक्त रह सकता है। सीधा रास्ता है अमृषा का, टेढ़ा बंका रास्ता है मृषा का। आदमी जितना संभव हो सके मृषावाद से, माया से बचने का प्रयास करे। मृषा के संदर्भ में जो योजना, जो विचार, जो एकाग्रता होती है वह मृषानुबंधी रौद्र ध्यान। तीसरा प्रकार है स्तन्यानुबंधी रौद्र ध्यान, यानी चौर्य, चोरी के संदर्भ में चोरी कैसे करना, उसकी योजना बनाना, डाका कैसे डालना, कहां चोरी करना, चोरी करने वालों की भी अपनी कला होती होगी, कला प्रशिक्षण कला का, कैसे चोरी करना, कैसे जेब काट लेना। चोरी के संदर्भ में जो एकाग्रता होती है वह भी रौद्र ध्यान का तीसरा प्रकार है, रौद्र ध्यान है। और चौथा प्रकार बताया है संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान, विषयों के पदार्थों के संरक्षण में होने वाली एकाग्रता कि ये पदार्थ मेरे पास है, इनकी सुरक्षा करूं, सुरक्षा, पदार्थों से मोह है, आसक्ति है, इसलिए उनकी सुरक्षा के प्रति वो मोह पूर्ण ध्यान, वह रौद्र ध्यान का चौथा प्रकार है। जितने ज्यादा पदार्थ होंगे, पहले तो पदार्थों को इकट्ठा करो, फिर उनकी सुरक्षा करो। साधु के लिए तो बड़ा सुंदर शिक्षण है अपो वही अल्पोपधि, अल्पोपधि होना चाहिए साधु को, हल्का फुल्का रहना चाहिए जितना संभव हो सके, ज्यादा इकट्ठा अनावश्यक नहीं करना चाहिए। एक साधु के पास कितने पुट्ठे हैं, एक एक साधु हम ध्यान दें कि मेरे पुट्ठों में, एक बैग में, कार्टून में अनावश्यक तो संग्रह नहीं है ना, कितने पेंसिलें हैं, कितने कागज हैं, कितने रजिस्टर हैं, अमुक 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 कितनी चीजें मेरे संग्रह संग्रहालय में, वो एक संग्रहालय होता है साधु का, बहुत संग्रह हो जाए तो साधु को यह देखना चाहिए संग्रहालय मेरे यहाँ ज्यादा न रहे। संग्रहालय तो लाडनू में ठीक है, वहां पड़ा है भंडार में, तो वो भी भंडार में भी अनावश्यक नहीं रहना चाहिए, भंडार भी
अनावश्यक चीजों का आलय न बन जाए। जो आवश्यक नहीं कौन पढ़ेगा 100 वर्षों बाद 200, कोई खास बात है भी नहीं तो उठाओ उनको, जितना हल्का हो जाए, भंडार भी हल्का रहे, अनावश्यक संग्रह वाला न बन जाए, ताकि और नई नई चीजों को जगह मिले। पुरानी जो उपयोगितापूर्ण नहीं लगती है उनको तो उत्थाप्य मान करके, प्रतिष्ठाप्य मान करके उठा दिया जाए तो अच्छा, संग्रह कम हो, आवश्यक है उनको रखना होता है। तो हम चारित्रात्माओं को ध्यान देना चाहिए। अब कार्तिक महीना आसोज कार्तिक, फिर यहाँ से बिहार है, तो पहले पहले जितना उठा सके उतना उठा दें, हल्के हो जाएं। बिहारों में ज़्यादा अनपेक्षित कोई पुट्ठा कार्टून, कार्टून 1, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा संख्या अनावश्यक न बढ़े कार्टूनों की, यहाँ बुलाओ वहाँ बुलाओ कहीं रखो, यह करना ज़्यादा न पड़े। तो साधु को अल्पोपदी रहना चाहिए, साधन साथ में है, साधन है इसलिए संग्रह ज्यादा हो जाए, साधन संग्रह का हेतु न बने, अनपेक्षित संग्रह का हेतु न बने तो अच्छा रहेगा। साधन है तो थोड़ा सामान ज्यादा रख ले, ज्यादा रख ले, साधन है वो अपवाद है, वो अनपेक्षित संग्रह का साधन, साधन साधन न बने अनपेक्षित संग्रह का। तो वे भी हमको ध्यान देना चाहिए, हम यहाँ है बाहर साधु साधियाँ है, कि साधन अनावश्यक संग्रह का आलय कहीं न बन जाए, वो अपवाद है तो अपवाद अपवाद रहे, अपवाद की उत्सर्ग न बन जाए। तो हमें यह असंग्रह रौद्र ध्यान का जो चौथा प्रकार है, पदार्थों के संरक्षण के लिए जो एकाग्रता होती है उसमें फिर आसक्ति आ जाती है, वह रौद्र ध्यान का रूप बन जाती है। गृहस्थों को भी जितना अपरिग्रह में आगे बढ़ सके अच्छा है, ज्यादा संग्रह अनावश्यक संग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये चार प्रकार रौद्र ध्यान के शास्त्रकार ने ठाणंग में बताए हैं कि यह हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, मृषानुबंधी और स्तैन्यानुबंधी, जो भी सब दो स्तैन्यानु स्तेनानुबंधी, और यह संरक्षणानुबंधी, पदार्थों विषयों के संरक्षण में होने वाली एकाग्रता, वो भी आसक्तिपूर्ण। इस रौद्र ध्यान से बचना चाहिए। रौद्र ध्यान से बचने का सुंदर तरीका है त्याग करो, हिंसा का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, चोरी का त्याग करो, पदार्थों की सीमा करो, तो रौद्र ध्यान से बचा जा सकता है। साधु के लिए रौद्र ध्यान से बचना बड़ा आसान है, तो हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, परिग्रह की संग्रह की सीमा, तो साधु कितना रौद्र ध्यान से बच सकता है। रौद्र ध्यान से बचने का सुंदर उपाय है त्याग करो, त्याग करो, हिंसा झूठ चोरी पदार्थ इनका त्याग करेंगे, त्याग की चेतना रहेगी तो रौद्र ध्यान से हमारा बचाव हो सकेगा। और रौद्र ध्यान तो आत्मा को मलिन बनाने वाला है, पता नहीं कहां आत्मा को ले जाए, कौन सी नरक में ले जाए। वो तंदुल मत्स्य है वो मानो रौद्र ध्यान के कारण से नरक में जाता है, वो तंदुल छोटा सा जो मगरमच्छ के भांपण में होने में छोटा सा जंतु है, तंदुल मत्स्य चावल जितना सा, वो नरक में चला जाता है, इतना आयुष्य बांधता है नरक गति का, क्यों लगता है वो रौद्र ध्यान इतना करता है कि नरक में जाने का आयुष्य बांध लेता है। छोटा सा जंतु, नाचीत सा छोटा सा जंतु, भावना भावना से, इच्छा इच्छा से, अरे देखो मगरमच्छ के मुंह में कितनी जंतु मछलियां आदि आ रही है, जा रही है, आ रही है, निकल रही है, मैं होता सबको खा जाता, सबको खा जाता, मैं होता तो, अब मैं होता तो खा जाता। ये रौद्र ध्यान का हिंसानुबंधी विचार आता है, संकल्प जागता है और वह तंदुल मत्स्य नरक में जाने के लायक बन जाता है। तो रौद्र ध्यान बड़ा खराब ध्यान है, अधोगति में ले जाने वाला ध्यान। तो साधु को तो चाहिए कि रौद्र ध्यान न आए, धर्म ध्यान चले चले तो रौद्र ध्यान न रहे, न आर्त ध्यान हो न रौद्र ध्यान हो।
इन ध्यानों से साधु को तो बचना ही चाहिए, हम चारित्रात्माओं को, समन श्रेणी को, गृहस्थों को भी रौद्र ध्यान से जितना बचाव हो सके बचाव का प्रयास करना चाहिए। और हिंसा में एकाग्रता तो हो ही नहीं, हमारी चेतना में अहिंसा का भाव पुष्ट हो जाए, जितना अहिंसा का जीवन जी सके, किसी की हिंसा का विचार न आए, अहिंसा का विचार रहे कि मेरे द्वारा जीव की हिंसा न हो जाए, ऐसा साधु को करना चाहिए। क्योंकि साधु का तो जीवन भी अहिंसामय ही होना चाहिए। हाजरी में कहा गया, सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। बस साधु के तो महाव्रत समिति गुप्तियां हैं, रौद्र ध्यान को मौका ही क्यों मिले आने का, कभी प्रमाद से हो जाए तो हो जाए, मौका भी नहीं मिलना चाहिए। 13 नियम हमारे लिए ये पालनीय होते हैं। और साधु तो चलते समय भी बात न करे, यह हमारी विधि, चलते समय बात नहीं, बिहार हो ना हो, यात्रा हो, किलोमीटर 10, 12, 13, 14 दो साधु मिल गए, बातें करते 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 चलें, तो बातें तो नहीं होना चाहिए, बातों का क्रम नहीं। चलना है तो चलने में ध्यान, बातों में मस्त नहीं होना चाहिए, या बातें या चलना, एक काम करना चाहिए, या चलो या बोलो। चलना है तो बोलो मत, बोलना है तो चलो मत, दोनों में एक काम सामान्यतया होना चाहिए। चलना बोलना दोनों साथ, दो साधु भले साथ साथ चलें, तो चलना बोलना साथ साथ नहीं होना चाहिए, तो या चलें या बोलें, यह एक सूत्र दिमाग में हमारे बैठ जाए ना, या चलो या बोलो, दोनों में एक का चुनाव करो, चलना है या बोलना है, बोलना है तो चलो मत, चलना हो तो बोलो मत, यह सामान्य सा हमारा क्रम रहे तो अहिंसा की दृष्टि से अच्छा हो सकता है। और शरीर रक्षा, आत्मरक्षा के हिसाब से ठीक है, सावधानी रहे, सड़क पर चलना है तो बातों में नहीं, चलने में ध्यान रखो, सामने भी कौन आ रहा है ध्यान दे, पीछे से कौन आ रहा है, सावधानी, बातों में पड़ गए तो सावधानी कहीं कम भी हो सकती है, सावधानी हटी है होना नहीं, सावधानी हटी की बात होनी अच्छी नहीं होती है। तो यह सुंदर हमारा सूत्र है कि चलते समय बात न करें, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सूत्र है हमारा, चलते समय बात न करें। हमारे साधु साधियों को ध्यान देना चाहिए चलते समय बातें होती हैं या नहीं, बिहार हो, गोचरी के लिए जाओ, 2-3 साथ में जाओ, तो चलते समय बातें होती हैं या नहीं, यह हमें ध्यान देना चाहिए। साधियां साथ में प्राय दो तो होती है, संत तो फिर भी अकेले भी चले, साधियां दो तो प्राय होती है, तो चलते समय बातें तो नहीं हो रही है ना, समणियां साधियां चलते चलते बातें कितनी होती है या नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए सामान्यतया, इसके प्रति हम सभी की जागरूकता भी रहनी चाहिए।